पंजाब हरियाणा के किसानों की तर्ज पर अब हिमाचल के किसान भी केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए 3 कानूनों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हिमाचल किसान सभा के किसानों ने 3ों कानूनों के विरोध का बिगुल फूंक दिया है। पहले ये विरोध कुछ राज्यों में ही हो रहा था, लेकिन अब इसकी चिंगारी भाजपा शासित प्रदेश हिमाचल में भी लग चुकी है। अगर ये विरोध यहाँ भी पंजाब हरियाणा की तरह ज्यादा होता है तो प्रदेश के मुखिया को भी मुश्किल हो सकती है। इस विरोध प्रदर्शन में कोविड के चलते बेहद कम किसानों ने भाग लिया है, लेकिन उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस विरोध प्रदर्शन को केवल एक सांकेतिक विरोध करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की बात केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो वे आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो कानून किसानों के लिए बनाए हैं वे उन्हें कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इन 3 कानूनों की वजह से किसान सड़कों पर आ जाएगा, उन्हें उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के सहयोग के लिए ये कानून बनाए हैं, वे भंडारण भी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करेंगे और किसान उनके केवल गुलाम बन कर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं किया तो वे भी पंजाब हरियाणा के किसानों की तरह सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे, लेकिन वे किसी भी हालत में किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। किसान सभा जो अभी ये आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, पिछले 9-10 दिनों से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये जो 3 कृषि बिल लाई है सरकार, इसके विरोध में हिमाचल किसान सभा इसका पुरजोर विरोध करती है कि किसी भी तरह से ये किसानों के हित में नहीं है। इसमें बहुत सी खामियां हैं। एक तो हिमाचल किसान सभा ये मांग करती है अभी स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू होना चाहिए, और सरकार ने भी कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन उसके उल्ट सरकार ऐसे 3 बिल लाए, वो भी अध्यादेश की तरह, अध्यादेश लाके पहले अध्यादेश लाई, उसके बाद उसको धक्केशाही में कानून बना दिया गया। पहली बात तो हमारी समझ में ये नहीं आती भाई, ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो सरकार को जो है अध्यादेश लाने पड़े। ऐसा होता था भी भंडारण की एक क्षमता होती थी, एक लिमिट होती थी, कोई भी जो स्टॉकिस्ट है वो उस लिमिट से ज़्यादा जो स्टॉक को जमा नहीं कर सकता था। इस कानून के अंदर खुलेआम छूट दे दी गई है भाई, वो कितना भी भंडारण कर सकता है। इससे क्या होगा, जो फसल के टाइम में औने पौने दाम में जो है किसानों से फसलें लेके उसको भंडारण किया जाएगा, और उसके बाद जो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जाएगी, और इससे जो है आम जनता को फर्क पड़ेगा। जो मजल का किसान भी जाग चुका है और वो भी अब अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेगा। अगर जिस तरीके से पंजाब में आंदोलन वहाँ के किसानों के द्वारा किया जा रहा है और दिल्ली तक पहुँच चुके हैं, उसी तरीके से अगर आने वाले चंद दिनों में सरकार ने ये काला कानून, ये जो अमेंडमेंट किया है, अगर ये वापिस नहीं लिया तो इसके लिए हिमाचल का किसान भी दिल्ली तक सड़कों पर पहुंचेगा और किसानों की हर जायज मांगों के लिए आवाज़ उठाएगा। जी, हम लोग आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की अगर मैं बात करूं, हम पार्टी बाद में है, पहले हमें किसानों का, मैं पहले किसान हूं। किसान के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके का पहले भी समय समय पर किसानों ने जायज़ मांगे अपनी उठाई है, पर उसके ऊपर कोई भी संज्ञान सरकार की ओर से नहीं लिया गया, पर ये पंजाब के किसानों ने अगर ये आंदोलन किया है और अपनी जायज़ मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं तो हिमाचल का किसान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएगा और आने वाले टाइम में जो है आंदोलन करेगा।